डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि क्लास टेंथ में जो है केस स्टडी भी है, उसके बाद केमिस्ट्री से बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक आम क्वेश्चन तो फिजिक्स के भी होते हैं। आइए हम उन आइडेंटिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस को करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, चमकदार है, भूरा रंग है, भूरा लाल कलर है, और उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। तो आपको X को पहचानना है। तो ये X जो है ये कॉपर है, और इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो केमिकल रिएक्शन में लिख देता हूं, केमिकल रिएक्शन है 2Cu जो कि शाइनी ब्राउन कलर्ड है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए और ये बन गया 2CuO कॉपर टू ऑक्साइड। और इसका कलर जो है ये ब्लैक है। एक और कहानी सुना देता हूं यहीं पर। रशिया में एक चर्च है जिसके ऊपर, जैसे यहां पर अमृतसर में गोल्ड टेंपल है ना, गोल्डन टेंपल, उसके ऊपर में सोना का ये चढ़ा हुआ लेयर, तो रशिया में ऐसे ही एक चर्च है जिसके ऊपर कॉपर का प्लेटिंग चढ़ा हुआ है, और वो कॉपर का प्लेटिंग जो है उसका कलर ग्रीन हो चुका है। अब आपको ये ढूंढना है, ये पता करना है कि वो ग्रीन क्यों हुआ होगा, मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको मन है तो। दूसरा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोलता है कंपाउंड ऑफ कैल्शियम है जिसका नाम है एक्स, जिसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। तो आपको एक्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। तो वो जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, जिसको कि क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक, फिर बोलता है राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स विथ H2O एंड नेम द कंपाउंड Y दैट इज फॉर्म। बोलता है इस X को पानी के साथ रिएक्शन करवाओ और जो Y बना वो बताओ। बहुत बढ़िया, ये लीजिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको पानी के साथ रिएक्शन करवा दिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया जिसको कि लाइम वाटर कहते हैं या स्लैक लाइम कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। और इसको हिंदी में कहते हैं कली चूना या क्विक लाइम। अब जो थर्ड पार्ट है वो हम करेंगे, लेकिन इससे पहले सेकंड पार्ट के साथ जो है वो एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज हम लोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस चेक करने में। तो कैसे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा लीजिएगा, ये आपको पूछा नहीं है यहां पर लेकिन मैं समझा दे रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाए तो ये CaCO3 बन गया, लाइक ये मिल्की हो गया इसका कलर। पापा, यस, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं वीडियो बना रहा हूँ। वाह पापा, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको जब हम ड्राई कर लेंगे और इसमें क्लोरीन गैस डालेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा जिसमें स्ट्रॉन्ग आपको क्लोरीन की स्मेल आएगी और हाइड्रोजन। तो बोलता है ना व्हेन ड्राइड वाई रिएक्ट्स विद क्लोरीन कंपाउंड जेड इज फॉर्म, राइट इक्वेशन। तो ये कंपाउंड जेड हो गया आपका, यानी आपका एक्स क्या हुआ CaO, आपका वाई क्या हुआ CaOH2, और आपका जेड क्या हुआ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। एक चीज मैं और इसमें जोड़ देता हूं कि बोलेगा कि ये लाइम वाटर मिल्की हुआ, लेकिन अगर इसमें एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो इसका मिल्की कलर खत्म हो जाता है। और आपको वो इक्वेशन मुझे कमेंट करके बताना है अगर आपका मन करे तो। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं।
कहता है कंपाउंड एक्स है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, इसको सनलाइट में रखेंगे तो ग्रे एलिमेंट वाई बनता है, एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है, टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो ये एक्स जो है ये आपका सिल्वर क्लोराइड, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। AgCl को आप सनलाइट में रखो, सनलाइट, तो ये आपको 2Ag प्लस Cl2 देगा, यही आपका ग्रे वाला है Y, ये सिल्वर है। अब जब मैंने आपको ये बता दिया, बोलता है रिएक्शन बताओ, तो रिएक्शन जो है ये डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन, और ये कैसा है डिसोसिएशन वो मैं बता देता हूं। तो ये लाइट से हुआ है, तो ये बेसिकली फोटोलिसिस है, फोटोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बिजली से, जिसमें पानी को तोड़ते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालते हैं, उसके बाद हीट से करते हैं, हीट से करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, और ये जो चीज है ये कैल्सिनेशन भी कहलाता है, वैसे ये हीट से हो रहा है तो थर्मोलिसिस कहलाएगा, थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस मतलब हीट से ब्रेक डाउन। चलिए ये क्वेश्चन जो है ये समझते हैं। ग्रीन कलर सॉल्ट है एक्स, जिसको हीटिंग करते हैं तो ब्राउन कलर कंपाउंड वाई बनता है, दो गैसेस निकलती है जिसमें सल्फर स्मेल है। पहले तो मैं ये ग्रीन कलर सॉल्ट आपको पहचाना देता हूं, ये आपका FeSO4 है। कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू होता है, उसमें जब आयरन डालते हैं तो ये FeSO4 बनता है जिसका कलर की ग्रीन है, और कॉपर का डिपॉजिट बनता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है प्लस प्रिसिपिटेशन भी हो रहा है। अब इस FeSO4 को गर्म करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस FeSO4 को हीट कर रहे हैं, ये Fe2O3 बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ये ग्रीन है और इसका कलर जो है ये ब्राउन होगा। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं लेड नाइट्रेट PbNO3 का हीटिंग वाला जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है और उसका कलर ब्राउन होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है कि एक हाउसवाइफ एक केक बना रही है, वो कुछ डालना भूल जाती है, जिसके कारण केक जो है फ्लफी नहीं होता, हार्ड हो जाता है। आपको एक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो एक्स जो है आपका बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर। फिर पूछ रहा है कि बेकिंग पाउडर में क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो बनता है NaHCO3 और प्लस टार्ट्रिक एसिड से, टार्ट्रिक एसिड, और जब ये इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करेगा, ये इक्वेशन आपको खुद से ढूंढ करके लिखना है। टार्ट्रिक एसिड इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इसको गर्म करेंगे ना, NaHCO3 को गर्म करेंगे, ओवन में डालिएगा तो ये NaOH बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यही जो निकलता है तो फ्लफी बनाता है, और ये जो है ये बेस है, बेस जो है ये कड़वा होगा स्वाद में, बिटर, और उसको टार्ट्रिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए टार्ट्रिक एसिड डालते हैं। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो मैं पढ़ूंगा, उससे पहले आप इसका आंसर ही बोल दीजिएगा। ये कंपाउंड है जिसका नाम है एक्स, जो कि ट्रीटमेंट फॉर ब्रोकन बोन्स और स्टैचू बनाने में, घर का फॉल्स सीलिंग बनाने में यूज होता है। तो आपको एक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो एक्स जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं POP, वो है। बोलता है वाई एक्स इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्यों, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर डालेंगे तो
ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CSO4.2H2O जिप्सम, और जिप्सम बदल जाएगा तो ये आपके काम के लायक नहीं रहेगा, इसलिए इसको मॉइस्चर फ्री कंटेनर में स्टोर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया।